In this video, I am going to show you the tech news part 4. तो इस वाली वीडियो में मैं आप सभी को कुछ important topics यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिनसे related यहाँ पर latest news निकल कर सामने आ रही हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर से करके जाना, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे हमेशा देखने के लिए मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को यहाँ पर एक बार शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे व्हाट्सएप चैट विद एन एआई। तो यहाँ पे व्हाट्सएप चैट विद एन एआई फीचर को रोलिंग आउट कर रहा है बेटा टेस्टर्स के लिए। लेकिन जब आप इस वाले फीचर को ओपन करने का ट्राई करते हैं तो इसको यहाँ पे आप ओपन अभी के लिए नहीं कर सकते। आपको ये कुछ इस तरीके से यहाँ से बिल्कुल ब्लैंक शो होगा, क्योंकि अभी के लिए बस ये वाला फीचर यहाँ पे अनाउंस हुआ है। इस वाले फीचर को बेटा टेस्टर्स के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप के न्यू अपडेट के साथ यहाँ पर दे दिया जाएगा, जो कि एक गुड न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो ये था यहाँ पे व्हाट्सएप का चैट विद एन एआई का फीचर। हेयर नेक्स्ट न्यूज़ इज More MIUI updates and more Android upgrades to Xiaomi devices. So here recently one news arrived. Here Realme K40 Pro, K40 Pro Plus, which is Mi 11i in global and Mi 11X Pro in India. इसको यहाँ पे MIUI 15 Android 14 पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। और ये यहाँ पे शो करती है कि यहाँ पे अब Xiaomi more updates यहाँ पे उनके Xiaomi devices के लिए provide करने वाला है। और यहाँ पर इसके regarding मैं एक long video भी create कर चुका हूँ कि Realme K40 Pro के साथ साथ आपको और कौन कौन से Xiaomi devices में 3 Android के upgrades और 4 साल के security patches के updates यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो की description में दे दिया है, जा करके चेकआउट कर लेना, आपको वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। Realme K40 Pro यानी कि Mi 11X Pro और Mi 11i के साथ साथ और भी Xiaomi डिवाइसेस के लिए, तो उस वाली वीडियो को जरूर से जाकर के चेकआउट कर लेना। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट स्टेबल एंड्रॉयड 14। सो यहाँ पर गूगल अनाउंस करने वाली है गूगल पिक्सल 8 सीरीज़ को 4th ऑफ अक्टूबर को, और इसी के साथ यहाँ पे गूगल कंपनी एंड्रॉयड 14 के स्टेबल अपडेट को भी यहाँ पे रिलीज़ करने वाली है, जो कि एक हमें बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे सैमसंग और यहाँ पे शाओमी, ओप्पो, वीवो, कलर ओएस, ऑक्सीजन ओएस, इनके साथ एंड्रॉयड 14 के बेटा अपडेट्स रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो अभी यहाँ पे कोई सी भी कंपनी स्टेबल एंड्रॉयड 14 को यहाँ पे रोलिंग आउट नहीं कर सकती, क्योंकि अभी तक यहाँ पे गूगल ने भी स्टेबल एंड्रॉयड 14 को रिलीज़ नहीं किया है। यहाँ पे 4th अक्टूबर के दिन और 4th अक्टूबर के बाद यहाँ पे सभी ओएस को यहाँ पे गूगल की तरफ से परमिशन मिल जाएगी कि अब आप यहाँ पे स्टेबल एंड्रॉयड 14 को रोलिंग आउट कर सकते हैं। तो सिंपली अभी आपको यहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा, अगर आप स्टेबल एंड्रॉयड 14 का यहाँ पर वेट कर रहे हैं तो। सो हेयर सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ यहाँ पर निकल कर सामने आ चुकी है। क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्वालकॉम ने ये कंफर्म कर दिया है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट्स में रोलिंग आउट किया जाएगा। यहाँ पे इन एडिशन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 ऑल्सो हैज़ ए 3 नैनोमीटर वर्जन इन एडिशन टू द TSMC 4 नैनोमीटर वर्जन। इट्स कोटेक्स X4 एंड कोटेक्स A720 विल बी बिल्ट यूजिंग द 4 नैनोमीटर एंड 3 नैनोमीटर प्रोसेस। स्पेसिफिक डिटेल्स आर अननोन, इट मे बी फॉर इम्प्रूव्ड वर्जन सच एज स्नैपड्रैगन 8475। सो प्रिपेयर। सो यहाँ पे क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 में आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको
एग्जांपल के लिए मैं आपको Xiaomi 14 सीरीज के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro दोनों स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ चाइना रीजन और मल्टीपल रीजन्स में लॉन्च किए जाने वाले हैं। और यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का पार्ट 1 Xiaomi 14 में मिलेगा, जिसका प्राइस आपको थोड़ा सा कम यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। और क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 पार्ट 2 आपको Xiaomi के 14 Pro में, यानी कि उसके थोड़े से ऊपर वाले डिवाइस में आपको देखने के लिए मिल सकता है, और उसका प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा हाई हो सकता है। तो ऐसा मेरे अकॉर्डिंग क्वालकॉम इस बार यहाँ पे करने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। Now the final news is One UI 6 Beta 4 is started rolling out for more Samsung devices. So यहाँ पे One UI का Beta 4 with bug fixes and some new changes यहाँ पे rolling out होना start हो चुका है। आपको अपडेट का साइंस क्या मिलता है, इसमें आपको क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, सब कुछ एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो One UI 6 ZW14 रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। इस वाले स्टेबल वर्जन में बग्स डेट हैव बीन फिक्स्ड, इम्प्रूव्ड वन यूआई होम क्रैश, इम्प्रूव स्टॉपिंग फिनोमेना व्हेन स्विचिंग होम स्क्रीन, और इसी के साथ आपको इम्प्रूव्ड ऐप टर्मिनेशन प्रॉब्लम व्हेन एंटरिंग कैमरा एप्लीकेशन, इम्प्रूव्ड वीडियो एडिटर, इम्प्रूव्ड ऑटो स्टार्ट द डिवाइस केयर, इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ नोटिफिकेशन आइकन्स इन द टेक्स्ट मैसेजेस, फिक्स द प्रॉब्लम डेट द रूटीन डज नॉट वर्क अंडर द कंडीशन ऑफ व्हेन रिसीविंग अ मैसेज, फिक्स द प्रॉब्लम डेट द हाइड VCE बटन ओवरलैप्स विद द ऐप ऑप्शन इन द लैंडस्केप मोड, फिक्स द प्रॉब्लम डेट द VCE फ्लोटिंग बटन इज बाउंस्ड, फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ फोर्स क्लोज इन माई गैलेक्सी ऐप। सो ये सारे यहाँ पे हमारे बग्स फिक्सिक्स हो चुके हैं। इसमें आपको कोई भी न्यू फीचर यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। आपको अब स्टेबल एंड्रॉयड 14 में ही कुछ और न्यू फीचर्स को सैमसंग यहाँ पे अनाउंस कर सकती है। तो सिंपली आपको वेट करना है, जब भी यहाँ पे स्टेबल एंड्रॉयड 14 से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ निकल कर सामने आएगी, इनके रिगार्डिंग मैं लॉन्ग वीडियो क्रिएट कर दूंगा। सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ न्यूज़। She got